और मैं हूँ अनुराग किशोर का शोर। इस उम्र में लड़के लड़कियों में शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत बदलाव आ रहे होते हैं और लड़कियों को सहमना नहीं चाहिए, जो भी गलत लगे उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, बिना ये सोचे कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा, उनसे क्या कहेगा। किस्से कहानियां किसे पसंद नहीं, लेकिन कहानियों से अगर कुछ सीखने को मिले तो फिर वो कहानियां शायद और सार्थक हो जाती हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूं से हमारी कोशिश रही है कि महिला, पुरुष, युवा, बच्चे, इन सबको अपनी भाषा में, अपने लहजे में, अपनी जिंदगी और अपने स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जानकारी मिले। और इस जानकारी का प्रयोग हर गांव, हर कस्बे में बसा हर इंसान कर पाए। बहुत ज्यादा चैटिंग करते हैं आप लोग आजकल मुझसे। हाँ, किस तरह की जानकारी मिलती है आपको परिवार नियोजन के बारे में? पहले तो 18 साल के बाद ही शादी करना चाहिए, शादी के बाद 2 साल के बाद ही बच्चा पैदा करना चाहिए। अगर फर्स्ट बच्चा हो गया तो 3 साल के अंतराल दूसरा बच्चा, और 3 साल के अंदर परिवार नियोजन के जो साधने हैं वो अपनाना चाहिए। एक कॉपर्टी है जो 5 साल के अंदर लगाया जाता है, ये अंतरा है जो 3 महीने के अंदर लगाया जाता है, और एक छाया है जो हफ्ते में 2 गोली लिया जाता है, और ए निरोध। तो जब आप लोग जाकर के लोगों को ये सब समझाते हैं तो गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है? किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे, किसी के सामने जा भी नहीं सकते। जब से सीरियल देखें तब से हम लोग को बहुत अंदर से हिम्मत आया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो निरोध के बारे में आप पुरुषों से बात करती हैं या महिलाओं से? महिलाओं से हम लोग बात करते हैं, और महिलाओं अपने अपने पतियों को समझाती है अच्छे तरह से। टोले टोले कॉन्डम बोले मस्ती के हवाले होले, ना कोई डर ना कोई फिकर, झूम ले कॉन्डम बाबा बोले कॉन्डम। आप यहाँ की आशा वर्कर हैं, आप मुझे बताइए कि ये आपके गांव की जो लड़कियां हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि निरोध के इस्तेमाल में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो क्या ये सच है? जी सच, एक डब्बा बना हुआ है, ड्रग किट बना हुआ है हॉस्पिटल में, सामने हेलिएगा और सामने ही में ड्रग किट टांगा हुआ, उसमें हम लोग सभी आशा से प्रेरित हुआ कि उसमें भर के रख दीजिए। अभी भर के रखते हैं, 4 बातें बते जाइए, एक भी कंडोम नहीं मिलेगा उसमें, और उसमें अभी इतना बढ़ोतरी है कि हॉस्पिटल में निरोध नहीं मिल रहा था। सुनैना जी, आपने हाल ही में गर्भ निरोध के कुछ उपाय अपनाए हैं, मुझे बताइए वो क्या है? पहले हमको बहुत डर लगता, 2 बच्चा तो हो गए, तो उसके बाद लगा कि हम ज्यादा जनसंख्या क्यों करें। नेहा गुड़िया के बताए कि एक और पट्टी लगाई है, उसके बाद लगाए तो ठीक है। तो क्या आपके पति ने इस बारे में कोई विरोध किया? पति या घर वाले, उन लोग से हमको नहीं, मेन तो हम लोग का अपना अथी करना, हर औरत का होता है कि अपना धर्म करें। ज़्यादा बच्चा रहेगा तो हम उसको पढ़ा लिखा नहीं सकेंगे, लेकिन हमको 2 ही बच्चा रहेगा तो उसको पढ़ाने लिखाने में सुविधा होगा। इस नवाड़ी गांव की एक और खास बात है, और वो है यहाँ गाँव में दिख रहा बदलाव कहीं और नहीं, इन लड़कियों के घर से शुरू हुआ है। हमेशा से तो हम अपनी बच्चियों लोग के साथ में थी जरूर, लेकिन इसके बारे में पहले से पता नहीं था। जब इसके बारे में हम लोग, मैं भी कुछ कर सकती हूँ ये सीरियल जब देखना शुरू किए, तो हम अपने बच्चियों लोग को सहयोग दिए। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि हमारे गांव की बच्चियां मन शिक्षा में आगे बढ़ी है, कैसे परिवार को रखना है, कैसे परिवार में नियोजन करना है, कैसे बच्चों को पालन करना है, ये सब देखते हैं। करीब करीब गाँव में भी 70-80% डेवलप कर गया है। जहां माता पिता को अपनी बेटियों पर गर्व हो, जहां एक गांव को अपनी बेटियों पर भरोसा हो, जहां ये बेटियां ही परिवर्तन का प्रतीक बन जाएं, यही तो वो सच होता सपना देखा था मैंने। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।